बस ठीक है मामा जी, नमस्ते नानी, नमस्ते भाभी, नमस्ते। मारेगा आराम से ला, आराम से तो चला रहा है। अरे रोक ले, रोक रहा है, रुक जाओ। देखो हाँ, राम राम भाई, सभी को राम राम, हर हर महादेव। ये भैया रोटी बन रही है मस्त, बहुत बहुत धन्यवाद जी। छाए वाए सब दो एकदम मस्त बढ़िया, गांव के चूल्हे की रोटी, ये थोड़ी जल सी गई है, बाकी ये देखो मस्त एकदम। मक्का की तो तुम ही खाओ भैया, ये काय की चटनी बना रही है? धनिया की ला दे चटनी, दे मिर्च गिरो, छाई भी दो। हाँ भाई बीवी, लाओ गाल वाल मत कीजिएगा, परेशान कर रहा है। मैं करूं परेशान, तुम करो कोई। हाँ मैं कर रहा हूँ तेरे को परेशान, तू परेशान करती है। पर खा ले, मर रही है सूख सूख के। कितना टाइम लगा भैया हमें? एक महीने लगेंगे। तू भी कुछ काम करा लेकर। ओ भाई रोटी रोटी, गांव की मस्त मस्त छाए। मिर्च डाल दिया मैं, दे दो बस, खा ले तू भी खा ले। देख लो क्या बड्डे बड्डे टूक जा रहा है। अभी भाई जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास में, हमारी जो है नानी की तबीयत खराब हो रही है भयंकर करके। क्या हो गया तुम्हें? नजला पड़ रहा बहुत तगड़ा। नजला पड़ रहा, चलो ये नजला वजला तो चल ही रहा, मेरी भी तबीयत काफी ज्यादा है, तो नानी को दवाई दिला के लाए। उतरना हट, तुम पहले चढ़ जाए करो। चले भाई, बरार वाले गांव में डॉक्टर साहब बैठते हैं, उनके पास जाना है बस। तीन चार दिन तो है रही मैं, जब खुराक रही आ गई तो खा ली, अब खुराक नहीं बटेगी तुम्हारी। मैं बोली सब सही है, जब तीन दिन आते छींक आएंगी और बाबा जी है जाऊंगी। तो भैया मम्मी का भैया दौज मनवा दिया, अब निकल रहे हैं अपने गांव से। ठीक है मामा जी, नमस्ते नानी, नमस्ते भाभी, नमस्ते। ठीक है छोटे डॉन, बाय बाय, बैठो तुम बैठो पीछे जल्दी, इनका जाने का जी ना करता भैया गांव आने के बाद में। मिलो मिलो भैया, अच्छे से मिलो। सो भाई अभी अपने गांव से निकल आए, अभी जा रहे हैं सीधा बुलंदशहर के लिए, और भाई अभी सोच रहा हूँ एक मम्मी के साथ में छोटा सा प्रैंक करने की। अभी मम्मी पीछे बैठी हुई है आराम से, सोच रहा हूँ थोड़ा आज बाइक तेज भगाऊँ, फिर देखते हैं मम्मी क्या कहती हैं। और भाई पसंद से डांट तो खैर बहुत भयंकर पड़ेगी, लेकिन पहली बार भाई करके देखता हूँ। मारेगा आराम से ला, आराम से तो चला रहा हूँ, मुझे पता ना सड़क टूटी पड़ी है सारी, मरवाएगा हमें। ए, चला रहा हूँ आराम से ही, मेरे साथ कभी ना आऊंगी अब मैं। चलाता रहा हूँ 50 की स्पीड पर, हैंडल पकड़ के बैठा रहे, हम मर जाए पीछे गिर जाए कुछ भी हो जाए, पकड़ के बैठ रहो, भीड़भाड़ में मरवाएगा हमें। अरे ना मरवाए, पकड़ के बैठ जाओ आराम से, मेरे पापा फोन करूंगी अभी देख ले। पागल पना दिखावे हर समय, ए आराम से बैठ जाओ, कुछ रहा होगा ना भैया, ना तो उतार दे मुझे, मैं ना जा रही तेरे साथ, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे तो तू करके खवा देगा मुझे। अरे ना कर रहा हूँ, आराम से चला रहा हूँ, उतार दे मुझे तो, रुक जाओ जल्दी आ जाना बुलंदशहर, अभी कॉल करूँ तेरे पापा पे। अरे रोक ले, रोक रहा हूँ, रुक जाओ, उड़ाएगा मोटरसाइकिल पे मुझे ही, सुनता ना मारू कान में खींच के। अभी अभी इस रोड की हालत देख देख के यहाँ पे आने को भी दिल ना करता है, शिकारपुर साइड इतना बुरा हाल है ना इस रोड का कि पूछो मत। और जबकि त्योहार था, त्योहार में भी पूरी की पूरी रोड सही नहीं की गई, इस साइड का तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। हमें बुलंदशहर से लेकर शिकारपुर तक का ये वाला पूरा का पूरा रोड सबसे ज्यादा चला है, सबसे ज्यादा चलने वाला रोड है। आजकल तो ज्यादा ही ना चल रहा कुछ, अभी तो इसलिए चल रहा है ना क्योंकि त्योहार का सीजन है। शिकारपुर से लेकर बुलंदशहर तक कोई जगह खाली ना मिली, अरे बहुत भीड़ है भाई इसमें, बुलंदशहर में एंट्री करते के साथ ही नॉर्मल हो जाएगा। अभी देखो ये सबसे ज्यादा चलेगा ये रोड। सो फाइनली भाई अपना बुलंदशहर के अंदर एंट्री कर लिया है,
ये है भाई अंदर मेन बुलंदशहर, वो था शिकारपुर, वही बुलंदशहर का ही पार्ट है। बट ये जहाँ पे अभी फिलहाल हम चल रहे हैं ये मेन बुलंदशहर है। लो भाई साहब आ गए घर, जय श्री राम भाई। गाँव से आते के साथ ही अपना मैगी बनाना स्टार्ट। थोड़ी सी मैगी बना ले, बहुत दिन हो गए मैगी खाई नहीं है। और कुछ मिठाई रखी हुई थी इधर, ये तो भाई ये भी थोड़ी सी निपटा ली है, हम इसको खाते हैं। बहुत दिल कर रहा है भाई मैगी खाने का, आप भी खा लो बना के। सो भाई अभी अपने बन गए फ्राइड राइस, तो आज का अपना जो डिनर होगा वो फ्राइड राइस ही होगा। बस खा पी के इनको सो जाएंगे। ये देखो हमारी माता जी बढ़िया खा रही है। तो भाई ये छोटा सा ब्लॉग था, एक फैमिली ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डेली का। और ट्रिप पे जाऊंगा कुछ दिनों के बाद में जल्दी से। अभी फिलहाल अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।